सईद एमटी केयर एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू है के एस पी फॉर द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज, जो के एस पी है हम लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर कॉफिशियंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ पी बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल टू रेज टू द पावर, सो एल्फा इज द करेक्ट आंसर। के एस पी फॉर बैरियम सल्फेट इज 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ बी ए एस ओ फोर एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन मोलारिटी पर मोल्स पर लीटर। तो जब बी ए एस ओ फोर आयनाइज होता है इट गिव्स अस बी ए टू प्लस और एस ओ फोर टू माइनस ये देता है। तो इसके लिए जो के एस पी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस ओ फोर माइनस टू हो जाएगी। अब हमने सॉलिबिलिटी मालूम करनी है, तो लेट द कंसंट्रेशन या सॉलिबिलिटी ऑफ बी ए एस हो जाएगी और सॉलिबिलिटी ऑफ एस ओ फोर ये भी एस ही हो जाएगी। तो के एस पी इट इज इक्वल टू एस इन टू एस और के एस पी इट इज इक्वल टू एस स्क्वेयर। तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू के एस पी अंडर द रूट। तो सॉलिबिलिटी हो जाएगी 1.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 10 अंडर दी रूट, इसको मैं कह लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम सपोज इसको वन ही रहने देते हैं फॉर सेक ऑफ आर कन्वीनियंस। एस इज इक्वल टू इसके अगर हम अंडर द रूट लेंगे सो 1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5 इसकी सॉलिबिलिटी आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज एल्फा। विच इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट। तो यही के एस पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर कॉफिशियंट फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एस आर की कॉन्सेंट्रेशन हो गई और एफ माइनस रेज टू द पावर कॉफिशियंट, सो एल्फा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन इज स्प्रिंगली सॉलबल एट 298 रेज टू द पावर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द के एस पी या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट ए बी इज 0.25 मोल स्क्वेयर DM³ DM^6। व्हाट इज इट्स सॉलिबिलिटी। अब अगर एक ऐसा सॉल्ट है, इसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिसमें से दो आइंस आते हैं, तो उसके लिए सॉलिबिलिटी बराबर होता है के एस पी अंडर द रूट के, और या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि के एस पी रेज टू द पावर हाफ, ये भी लिख सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी इसकी हो जाएगी 0.25 रेज टू द पावर हाफ, आप इसको कर लेंगेगा। तो इसके बाद अगर आप 0.25 का वो लेंगे, अब इसको हम आसानी के लिए आप यू करें कि इसको मैं 25 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर हाफ इसको मैं लिख लेता हूं। अब ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपको जरा समझा रहा हूं कि मैं 25 रेज टू द पावर हाफ और 10 रेज टू द पावर टू इंटू हाफ इसको मैं ये कर लेता हूं, तो सॉरी ये माइनस टू आ जाएगा। तो 25 इसको अगर मैं यू करता हूँ 5 का स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ और ये इसके कैंसिल हो जाएगा, सो 10 रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0.5, करेक्ट आंसर इज एल्फा। अब ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मैंने आपको इसी को ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। के एस पी वैल्यू फॉर फोर सॉल्ट आर गिवन विच इज लीस्ट सॉलेबल। तो के एस पी की जो वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी मतलब सॉल्ट उतना ही ज्यादा सॉलेबल होगा, सो इट हैज इनवर्स रिलेशन विद सॉल्युबिलिटी। तो जितनी के एस पी की वैल्यू ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद इट, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सो इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो यहाँ पर दिस सॉल्ट हैज हायर लीस्ट के एस पी, सो इट हैज लीस्ट सॉलेबल। द सॉलिबिलिटी ऑफ मेटल सल्फाइड इज 1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द सल्फाइड इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, सो ये एम एस, तो 3 होगा तो तरीके का ही होता है ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर एम का ऑक्सीडेशन नंबर हम एस के नीचे लिखते हैं और एस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम इसके नीचे लिखते हैं, तो ये S2 हो जाएगा। तो इससे जो है वी विल हैव, जब ये आयनाइज करेगा तो एम +3 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 लेना है और ये एस -2 आ जाएगा इसको हम जब वो करेंगे, तो ये आयनाइज करेगा। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन
जो है 1 × 10⁻⁴ है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ हो जाएगी और इसकी 3 × 10⁻⁴ हो जाएगी। अब इसके लिए अगर हम के एस पी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू प्लस थ्री प्लस रेस टू द पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस माइनस टू रेस टू द पावर थ्री। अब वैल्यू पुट करें 2 × 10⁻⁴ पावर 2 और इसकी वैल्यू पुट करें 3 × 10⁻⁴ पावर 3, तो ये आ जाएगा 2² × 8 × 10⁻⁸ और इसका 27 × 10⁻¹² आ जाएगा। अब इनको आपस में फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओ सॉरी माय मिस्टेक, कि ये 2 की पावर जो है इट विल बी 4, ये 4 आएगा, ठीक है। सो 4 को 27 से, सो 108 × 10⁻²⁰, सो करेक्ट आंसर इज चार्ली ओवर हियर, चार्ली यहाँ पे जवाब आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ के एस पी, ये के एस पी के लिए क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो के एस पी प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, ये हो जाएगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वॉटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमने मालूम क्या करना है इसमें, आई सपोज इसमें हमें के एस पी ही मालूम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सो अगर हम मैं फाइंड के एस पी लिख लेता हूँ, तो BaSO4 ये जब आयनाइज करता है तो Ba2+ और SO4-2 देगा। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी 0.0003 है, और इसको मैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको -4 लिख लेता हूँ, तो ये भी 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ये भी 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा। तो के एस पी इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैरियम आइन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁴, तो ये 3 × 3 = 9 × 10⁻⁸, इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ एम एन ओ एच होल ट्वाइस। तो एम एन ओ एच होल ट्वाइस जब आयनाइज करेगा, इट विल गिव अस एम एन टू प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हमें ये देगा। के एस पी इसके लिए है। अब इसके लिए अगर मैं के एस पी लिखूंगा, सो इट इज इक्वल टू एम एन टू प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रेस टू द पावर टू। लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ एम एन इज एस एंड सॉलिबिलिटी ऑफ ओ एच इज 2s, मैं इसको ले लेता हूं। अब ये मैं 2s इसलिए लिया कि अगर ये इसका आयन एक है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, तो ये ट्वाइस हो गया है, तो इसलिए मैं इसको ये ले लेता हूं। तो के एस पी इट इज इक्वल टू एस इंटू 2s और इसका मैं स्क्वेयर भी ले लूंगा। सो के एस पी इट इज इक्वल टू 4s³ आ जाएगा। एस इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाय 4 और इसका थर्ड रूट हमने इसका लेना होगा, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि के एस पी अपान 4 और इसका 1/3 भी मैं ले लूंगा। अब इसके लिए फॉर दिस पर्टिकुलर केस मैं वैल्यू पुट करता हूं, इट इज 1.9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 और मैं इसका थर्ड रूट ले लेता हूं, थर्ड रूट, ठीक है। अब मैं यहां पर ये कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसको जरा आसान करने के लिए इसको 19 × 10⁻¹² अपान 4 और थर्ड रूट इसका मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20 कंसिडर कर लेता हूं, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 8 या आ जाएगा। तो सॉलिबिलिटी इट इज इक्वल टू, ये मैं इसको ले लेता हूं, सो इट इज 5 × 10⁻²⁰ का 5 × 10⁻²⁰ का थर्ड रूट ले लेता हूं। अब 5 का जो थर्ड रूट है इट इज 2.6 और ये 3 × 4 = 4 इसका आता है, तो इसमें तो करेक्ट आंसर कोई भी नहीं बन रहा थर्ड रूट में से -3। सो 2.6 × 10⁻⁴ कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं बन रहा। इन्होंने ए लिखा हुआ है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर इज 2.6 × 10⁻³ ही इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हैज दिस दिस दिस, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के एस पी, दिस इज Ag2CO3। ये जब आयनाइज करेगा तो 2 सिल्वर आयन्स +1 और एक कार्बोनेट आयन -2 देगा। तो इसके लिए जो के एस पी की वैल्यू हो जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन पावर 2 × कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन -2 हो जाएगा। तो अब ये के एस पी, तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने शुरू में ही दी हुई है, वो हो जाएगी जी 3 × 10⁻⁴ -4, 3 × 10⁻⁴
पावर 2 और कार्बोनेट आयन की 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5 हो जाएगी, तो 3 की स्क्वायर 9 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, तो 18 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 13 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज चार्ली. अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज 2.8 और सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज, अब ये Ag2CrO4 ये जब आयनाइज करेगा तो इससे दो सिल्वर के आयन्स आएंगे और एक इससे Cr4-2 का आयन आएगा, तो Ksp जो है ये बराबर होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी मैं 2s ले लेता हूँ, इसकी सॉल्युबिलिटी मैं s ले लेता हूँ, तो ये जो अभी हमने तीन आयन्स के लिए इस क्वेश्चन किया था, सो Ksp इज इक्वल टू 4s³ आ जाएगा और सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Ksp/4 और ये थर्ड रूट आ जाएगा. तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर हम निकालेंगे वो इसकी सॉल्युबिलिटी बनेगी कि Sp इज 2.8 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 और इसका मैं थर्ड रूट ले लेता हूँ. अब मैं इसको आसान करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये मैं सॉरी थर्ड रूट मैं इसका जो है ना वो ले रहा हूँ, तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी आ जाएगी 2.28 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 और इसका थर्ड रूट भी हम लेंगे, तो 28 अपॉन 4 की आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, 7 का थर्ड रूट अलग से, 10 का थर्ड रूट अलग से लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 1, जिसको हम राउंड करके 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 1 कर देंगे. मूविंग बिफोर मैं इस क्वेश्चन के बारे में रिव्यू लूंगा, इसमें जो करेक्ट आंसर है कैलकुलेशन में वो मैंने दोबारा इसको रिपीट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो अल्फा आता है 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसके साथ कैलकुलेशन आपको अटैच कर देता हूँ. कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ओरिजिनली एप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल सॉल्ट, तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स होते हैं दे आर लेस सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये बीटा इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ये हमारे पास एक सॉल्ट है और ये के एस पी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा वाला जो है ना वो इनकरेक्ट है. अगर के एस पी और प्रोडक्ट ऑफ आयंस ये बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है. अगर ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कम होगा के एस पी से अनसेचुरेटेड है, ये भी ठीक है. अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर है तो ऑलवेज सैचुरेटेड इसका होगा और अगर ये ज्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड इसका होगा. अब इसमें से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये चार्ली इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर ये इनके इसके ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, लेकिन अगर इक्वल टू होगा तो मतलब ये एक इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सोल्यूशन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 इज एक्स मोल Dm³, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, जो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज A2B3, ये जब आयनाइज करेगा इंटू 2A+ और B3B-2 में आ जाएगा, तो इसके लिए जो के एस पी हो जाएगी, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी मैं ले लेता हूँ 2s तो 2s का स्क्वायर और इसकी सॉल्युबिलिटी 3s का स्क्वायर ले लेता हूँ तो 4s स्क्वायर और ये 9s स्क्वायर आ जाएगा, 4 9s are 36 आ जाएगा, तो ये 36s और पावर 4 आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ना सॉरी 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 ये क्यूब है तो इसका हमने क्यूब लेना है, तो ये क्यूब आ जाएगा 33 का क्यूब 27 आता है, तो 27 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 इट इज इक्वल टू 108, ये 108 इसका आंसर आएगा, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, हम इसमें कोरिलेशनशिप ढूंढते हैं, तो PbCl2 ये ठीक है, तीन आयन्स आएंगे और इसमें से भी तीन आयन्स आएंगे, ठीक है, इसमें से चार आयन्स आएंगे ये भी ठीक है, इसमें से दो आयन्स आएंगे, तो इसमें तमाम जो है ना वो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल हैविंग Ksp वैल्यू ऑफ 3.2, व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो Ksp
डिवाइडेड बाय 4 और थर्ड रूट इसका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 3.2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं कर लेता हूँ थर्ड रूट इसका ले लें। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 32 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, और मैं इसका थर्ड रूट ले लेता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। सो 8 का जो थर्ड रूट है 8 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 वो आता है 2, सो 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2 इसका थर्ड रूट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बीटा इन दिस केस। के एस पी वैल्यू ऑफ बी पी वी एस ओ 4 इज, ये मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है इसलिए 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर इज फाउंड टू बी दिस, व्हाट इज इट्स के एस पी वैल्यू। अब ये कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, इट गिव्स अस Ca+2 और 2F- आ जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी मैं S ले लेता हूँ, इसकी सॉल्युबिलिटी मैं 2S ले लेता हूँ, तो बल्कि इसमें सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट हमने इसमें Ksp वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम यूँ कर लेते हैं कि इसको मैं ले लेता हूँ। अगर इसकी वो है कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 है तो ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा और ये ट्वाइस आ जाएगा, सो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो Ksp इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आइन्स पावर 2 आ जाएगा, सो 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 का स्क्वेयर आ जाएगा, सो 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा, सो 32 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11 आ जाएगा। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी के एस पी वेन ए सिल्वर सल्फाइड वेन इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय पासिंग एच टू एस ए गैस, सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इसके सिर्फ के एस पी की वैल्यू को सिर्फ टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है। फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई के एस पी इज गिवन बाय दिस, के एस पी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से ही इसका इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो सकती है। हमारा टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म हुआ, हम अगले चैप्टर में रिएक्शन काइनेटिक्स में डिस्कशन में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।